प्रदेश में 7 से 11 जुलाई तक हुई भारी वर्षा ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और किन्नौर, कुल्लू, सोलन और बिलासपुर जिले में इस दौरान सामान्य से 800% अधिक वर्षा हुई है। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि राज्य के 8 जिलों में हुई भारी वर्षा ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और पूरी बरसात में होने वाली 30% वर्षा इन 4 दिनों में ही हो गई है। इन 4 दिनों में प्रदेश में 223 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जो अब तक की सर्वाधिक है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अनेक भागों में आज सुबह से वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने 15 और 16 जुलाई को राज्य के अनेक स्थानों पर भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। ब्रेकिंग बारिश हुई है, उसमें सोलन, सिरमौर, शिमला, बिलासपुर, कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना, यहाँ पे जुलाई मंथ में आज तक की जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल थी वो सब रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। जहां तक टोटल बरसात की बात है 7 से 11 जुलाई तक, वो करीब 30% जो है बारिश जो है सिर्फ 4 दिनों में होगी, जो कि आप देखते होंगे कि मानसून के 4 महीनों में होती है। तो ये अत्यधिक बारिश है और उसमें बहुत ज्यादा जो बारिश हुई है वो जिला किन्नौर, सोलन, कुल्लू और बिलासपुर, यहाँ पे जो डिपार्चर है, जो डेविएशन है बरसात की, करीब 800% के आसपास है। तो बहुत अत्यधिक बारिश हुई है। इसी तरह से प्रदेश के हर जिले में जो है 500-600% अत्यधिक बारिश हुई है। हालांकि पिछले 24 घंटे में सिरमौर, सोलन और किन्नौर, यहाँ पे एक दो जगह तेज बारिश भी हुई है सिरमौर में, लेकिन आज और कल ज्यादा बारिश नहीं होगी। अच्छा पीरियड है ये रेस्क्यू और रिलीफ के लिए और टूरिस्ट को भी की मोबिलिटी के लिए। हालांकि बीच बीच में लैंडस्लाइड और विजिबिलिटी कम हो सकती है, लेकिन उसके बाद 14 तारीख के बाद फिर से मानसून सक्रिय होने की संभावना है और फिर से बारिश होगी। और हमने 15 और 16 तारीख को येलो अलर्ट भी रखा है।